वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 317 रन की साझेदारी कर इतिहास रच दिया। इस दौरान जहां मयंक ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, वहीं रोहित शर्मा 176 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज का शिकार बने। उन्हें क्विंटन डी कॉक ने स्टंप आउट कर दिया। हालांकि अपनी इस तिहरी शतकीय साझेदारी के दौरान मयंक अग्रवाल और रोहित ने टेस्ट क्रिकेट के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें विशाखापट्टनम में 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेल रही हैं। इस दौरान मयंक और रोहित ने कौन से रिकॉर्ड बनाए, आइए जानते हैं। मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाली दुनिया की पहली ओपनिंग जोड़ी बन गई है। इस ओपनिंग जोड़ी ने दोनों देशों के बीच हुए सभी टेस्ट में सर्वाधिक रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले कोलकाता में साल 1996 में गैरी कर्स्टन और एंड्रयू हडसन ने पहले विकेट के लिए भारत के खिलाफ 236 रनों की साझेदारी की थी। रोहित और मयंक की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिहरी शतकीय साझेदारी करने वाली भी पहली भारतीय ओपनिंग जोड़ी बन गई है। साथ ही ये तीसरा मौका है जब भारतीय ओपनरों ने 300 से ज्यादा रन की साझेदारी की है। मयंक और रोहित की साझेदारी एक और मायने में खास रही। ये जोड़ी घरेलू जमीन पर अपनी पहली ही पारी में शतक लगाने वाली भी पहली भारतीय जोड़ी बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये भारत की सर्वाधिक ओपनिंग साझेदारी है। इससे पहले साल 2004 में कानपुर टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी के तौर पर 218 रन जोड़े थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2008 में चेन्नई में दूसरे विकेट के लिए 268 रन जोड़े थे। मयंक और रोहित ने 11 साल पुराना ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 टेस्ट पारियों में कुल 149 रन बनाए थे। उन्होंने इस एक पारी में ही इन रनों को भी पीछे छोड़ दिया। भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये 10वां मौका है जब टीम के दोनों ओपनरों ने एक ही पारी में शतक लगाए हैं। इससे पहले साल 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ शिखर धवन और मुरली विजय ने इस कारनामे को अंजाम दिया था। हालांकि मयंक और रोहित की पार्टनरशिप तब टूट गई, जब रोहित दक्षिण अफ्रीका स्पिनर केशव महाराज के गेंद पर स्टंप आउट हो गए। रोहित ने 176 रन बनाए। वे टेस्ट क्रिकेट में अपने सर्वाधिक स्कोर से महज एक रन पीछे रह गए। बता दें कि रोहित शर्मा का ये 28वां टेस्ट है, लेकिन इससे पहले 27 टेस्ट में वे मध्य क्रम के बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे थे। ये पहला मौका है जब रोहित बतौर ओपनर टेस्ट मैच में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर पहुंचे। वहीं मयंक अग्रवाल का ये 5वां टेस्ट मैच है। इससे पहले सभी 4 मैच उन्होंने विदेशी जमीन पर खेले थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।